नमस्ते गाइस, राजेश है फॉर नमस्ते टेक। और इस वीडियो में मैं टेस्ट करने वाला हूँ कि क्या Redmi 8A में आप पबजी खेल सकते हैं कि नहीं। ये एक 6,500 का फ़ोन है और इसमें आपको मिल रहा है कि ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन 439 चिप। एक बजट चिप है ये और ये एक क्लियरली बजट स्मार्टफोन है। लेकिन क्या Redmi 8A में इतनी पावर है कि ये पबजी मोबाइल को आराम से चला सके? लो ग्राफिकल सेटिंग्स पे ही सही, बट क्या आप इस फ़ोन में इस गेम को खेल सकते हैं वो देखेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन, ताकि आपको हमारे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए सबसे पहले मैं PUBG ओपन करता हूं इस फोन में। आप देख सकते हैं यहां पे एक बैनर आया था गेम टर्बो का। एक बजट स्मार्टफोन है लेकिन उसके बाद भी आपको Redmi 8A में गेम टर्बो जैसे फीचर मिलती है। लोडिंग टाइम बहुत होने वाली है। मैं इजीली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि PUBG को Redmi 8A में स्टार्ट होने में कम से कम 50 से 60 सेकंड लगेंगे। यूजुअली मैंने देखा है कि इस गेम को लोड होने में अराउंड 30 सेकंड लगते हैं एक मिड रेंज या फिर एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन में। लेकिन क्योंकि Redmi 8A एक बजट स्मार्टफोन है और उतना पावरफुल नहीं है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लोडिंग टाइम थोड़ी ज़्यादा होगी। तो इस गेम को लगभग 55 सेकंड लग गए लोड होने में। ये ऑलमोस्ट डबल टाइम है मिड रेंज स्मार्टफोन के कंपैरिजन में, जैसे कि Redmi Note 7 Pro, Vivo Z1X, Realme XT। गेम स्टार्ट करने के पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि PUBG जो है वो आपका Realme XT में स्मूथ ग्राफिकल सेटिंग्स पे मीडियम फ्रेम रेट पे चल रहा है। बैलेंस सेटिंग्स भी सपोर्ट करता है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी दूसरी ग्राफिकल ऑप्शन जैसे कि HD, HDR और अल्ट्रा HD सपोर्ट नहीं करता है ये फ़ोन। एनीवेज अभी के लिए मैं इस गेम को डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स यानी कि स्मूथ ग्राफिकल सेटिंग पे ही चलाता हूँ। थोड़ा खेलने के बाद मैं इसे बैलेंस सेटिंग में ट्राई करूँगा प्ले करने का। तो चलिए अभी के लिए मैं एक टीम डेथ मैच गेम ही खेलता हूँ और देखता हूँ कि ये फ़ोन की परफॉर्मेंस कैसी है और देखते हैं कि क्या Redmi 8A PUBG मोबाइल को स्मूथ ग्राफिकल सेटिंग्स जो बाय डिफ़ॉल्ट गेम ने खुद सेलेक्ट किया है उस पे ये फ़ोन इस गेम को कैसा चलाता है। गेम ऐसे तो स्मूथली ही चल रहा है Redmi 8A में, थोड़ा बहुत लैग है लेकिन वो इस कारण से है क्योंकि जो पिंग टाइम है वो थोड़ी ज़्यादा है, नहीं तो अदरवाइज इस गेम की परफॉर्मेंस काफ़ी ठीक ही है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था एक्चुअली कि PUBG इतना स्मूथली चल जाएगा Redmi 8A में। ऑब्वियसली अगर आप एक Redmi 8A खरीद रहे हैं तो आपकी बजट टाइट है, तभी आप इस फ़ोन को खरीद रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी 6,500 के फ़ोन में भी अगर आप PUBG को स्मूथली खेल सकते हैं भले ही लो ग्राफिकल सेटिंग्स पे, तो आई थिंक ये दिखाता है कि जो स्मार्टफोन मार्केट है वो बहुत इम्प्रूव कर गया है। अब ऐसा नहीं है कि आपको महंगे महंगे फ़ोन खरीदने पड़ेंगे PUBG जैसे गेम को खेलने के लिए। हाँ, ऑब्वियसली अगर आपको और अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए HD ग्राफिकल सेटिंग्स पे गेम को खेलना है, तब हाँ आपको एक ज़्यादा पावरफुल स्मार्टफोन लगेगा। और अगर आपका बजट बहुत कम है तो Redmi 8A आपके लिए परफेक्ट होगा। यहाँ पे कोई किसी तरह का कोई लैग नहीं है, लेकिन ये याद रखिएगा कि जैसे जैसे मैं ग्राफिकल सेटिंग्स बढ़ाऊँगा तो ये जो भी ग्रास है या ये जो भी इन्वायरमेंट है इसकी ओवरऑल क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी, जो शायद आपको अभी नहीं समझ में आए लेकिन अगर आप PUBG को एक हाई एंड फ्लैगशिप स्मार्टफोन में खेलेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए अब मैं PUBG की ग्राफिकल सेटिंग्स को चेंज करता हूँ, बैलेंस पे करता हूँ और देखता हूँ कि ये फ़ोन कैसा परफॉर्म करता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने PUBG की जो ग्राफिकल सेटिंग्स है उसे चेंज करके बैलेंस कर दिया है मैक्सिमम जो ये गेम सपोर्ट करता है। अब जो है मैं वापस एक टीम डेथ मैच गेम स्टार्ट करता हूँ देखने के लिए कि ये फ़ोन कैसा परफॉर्म करता है। तो PUBG ऐसे तो स्मूथली ही चल रहा है बैलेंस ग्राफिकल सेटिंग्स पे भी। फ्रेम रेट एग्जैक्टली 30 FPS नहीं है, ये मैं आपको क्लियरली बता सकता हूँ। मैं यहाँ पे कोई गेमिंग बेंचमार्क टूल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये आपको कंफर्म कर सकता हूँ क्योंकि मैं अभी ये गेम खेल रहा हूँ उससे, कि जैसे जैसे स्क्रीन पे थोड़े प्लेयर्स बढ़ते हैं वैसे वैसे थोड़ी FPS जो है वो कम हो जाती है गेम की। ये एग्जैक्टली 30 FPS नहीं है, 30 FPS से थोड़ा कम ही फ्रेम रेट पे ये गेम चल रहा है। लेकिन वही बात है, अगर आप कैजुअली सिर्फ PUBG खेलते हैं तो आप आराम से बैलेंस ग्राफिकल सेटिंग्स पे भी PUBG को अपने Redmi 8A में खेल सकते हैं। अगर आपको थोड़ी और अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो आप ऑब्वियसली ग्राफिकल सेटिंग्स को थोड़ा ड्रॉप कर सकते हैं, जिससे कि जो गेम की FPS है वो इंक्रीज होकर 30 FPS हो जाएगी और ये प्रॉपरली स्मूथली चलेगा। आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप PUBG Lite यूज़ कर लें।
आफ्टर ऑल इस गेम की लाइट वर्जन को स्पेसिफिकली बजट स्मार्टफोन्स के लिए ही निकाला गया है और इसे भी आप चाहें तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि Redmi 8A में आपको PUBG का कैसा गेमिंग परफॉर्मेंस मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।